मोर देन 50? गुड मॉर्निंग कुछ कमजोर नहीं लगा अपने को? ट्राई अगेन. ट्राई अगेन राइट. एट द काउंट ऑफ थ्री एवरीवन विल शाउट गुड मॉर्निंग एंड यू सी द डिफरेंस इन यू. कैसा अपना खुद का जो एनर्जी लेवल है, कैसा अपना एनर्जी लेवल बढ़ता है सिर्फ गुड मॉर्निंग जोर से बोलने से. मजा आ जाएगा एकदम चकाचक एकदम. राइट रेडी 1, 2 and 3 गुड मॉर्निंग. फैंटास्टिक. जिसने नहीं बोला और जिन्होंने अभी बोला कैसा लग रहा है? मजा आ रहा ना? और कुछ लोगों ने तो दिल में बोला गुड मॉर्निंग चिल्ला क्या. ओके नो प्रॉब्लम. फैंटास्टिक. इट इज रियली अ गुड मॉर्निंग. हाउ मेनी ऑफ यू आर बिजनेस पर्सन और या बिजनेस ओनर्स? खाली हाथ ऊंचा करेंगे जो बिजनेस ओनर्स है. फैंटास्टिक ग्रेट. तो जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको आज बहुत फायदा होने वाला है यहाँ पे. दे आर गोइंग टू गेन. इसीलिए तो आए. यस क्यों आए हैं हम सुबह उठ के यहाँ पे? बिकॉज वी आर अ बिजनेस पर्सन. और हर एक बिजनेसमैन के मन में क्या चलता है कि मेरा बिजनेस कैसा ग्रो करे. हाउ टू ग्रो माई बिजनेस, हाउ टू डबल माई इनकम. मेरे को मेरा टर्न ओवर बढ़ाना है. मेरा टर्न ओवर बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना होगा? वॉट आई हैव टू डू. सबके अंदर यही चलता है. सुबह सुबह से यही चालू हो जाता है. एवरी बिजनेसमैन का यही चलता रहता है. तो हम जरा थोड़ा इसके ऊपर फोकस करेंगे कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है माइंड में कि हाउ टू ग्रो एंड प्रॉस्पर. एवरीबडी, चाहे बिजनेसमैन हो या पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या एम्प्लॉय हो, एवरीबडी वॉन्ट्स टू ग्रो इन देयर लाइफ. सबको आगे बढ़ना है, सबको रोकना चाहिए, सबको रोकने से प्यार है. नाउ टू ग्रो योर बिजनेस यू रिक्वायर सम क्वालिटीज. राइट? यस और नो? यस. यू रिक्वायर सम क्वालिटीज. नाउ व्हाट आर दोज क्वालिटीज? थोड़ा शॉर्टकट में बता दूंगा मैं. सबसे पहला क्या चाहिए? दैट इज द इनर ड्राइव टू सक्सीड. Which every business person has. Every business person has this inner drive to succeed. But still he is not successful. Why? लोग बोलते हैं कि मैं जो business कर रहा हूं ये 10 साल से कर रहा हूं, 15 साल से कर रहा हूं, 25 साल से कर रहा हूं. जब मैंने business start किया था मेरे जेब में खाली 100 रुपया था. आज मेरे पास में देखो 1 करोड़ रुपया है. तो क्या वो success है कि नहीं है? वो business जब start किया था 15 साल पहले, 20 साल पहले, तब आपका टर्नओवर कितना था? फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड विद 1 करोड़ टर्नओवर. 15 साल के बाद में, 20 साल के बाद में आपका टर्नओवर, आपका जो टर्नओवर हो गया वो हो गया 10 करोड़. तो हैव यू रियली सक्सीडेड इन योर बिजनेस? नॉट एट ऑल. एवरीबडी हैज अ ड्राइव टू सक्सीड. इच्छा सबकी है कि हम आगे बढ़े, बिजनेस में रुपया कमाए, टर्नओवर बढ़े. लेकिन क्या चाहिए अपने को? नंबर वन द इनर ड्राइव. इनर ड्राइव मीन्स द इनर इंस्पिरेशन. अंदर का जो जुनून है, जो जोश है, जो पागलपन है ना, वो बिजनेस में दिखना चाहिए. आपके बिजनेस में दिखना चाहिए, आपके बातों में दिखना चाहिए, आपके एटीट्यूड में दिखना चाहिए. और दैट शुड रिफ्लेक्ट ऑन योर एम्प्लॉइज, दैट शुड रिफ्लेक्ट ऑन योर कस्टमर्स कि नहीं मेरे को इसके साथ बिजनेस करने में मजा आता है. ही इज द राइट पर्सन टू डू द बिजनेस. सो यू हैव टू बी फुल्ली एनर्जेटिक, fully enthusiastic. You have to show that to your employees and to your customers. अंदर का बोलते हैं जुनून, पागलपन. पागलपन के हद तक अपने बिजनेस के साथ में मोहब्बत करना है. You have to live with your business. You have to sleep with your business. You have to eat with your business. You have to do everything with your business. Business, business and only business. Many people think about their business. They only think, but they don't do the things. Implementation is very poor. Planning सबका अच्छा है. Everybody has a plan. कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. मेरा तो पास तो लिखा हुआ है. देखो सर, मैं जाता हूँ ना entrepreneurs के पास में, वो लोग मेरे को कागज दिखाते हैं कि सर देखो मेरा planning 10 साल का planning. और वो 10 साल का planning 10 साल पहले बनाया था उसने. वो खाली कागज पे ही है. There is no implementation. Now what does this mean? So is that entrepreneur has an inner drive. Success is only in the mind.
success should not be only in the mind, your success should be in your actions. आपका actions के अंदर होना चाहिए. जब तक आप action नहीं लोगे, तब तक success आपको नहीं मिलेगी. You all are brilliant people. Every people in this world are knowledgeable. सबके पास में abilities है, सबके पास में skills है grow करने के लिए. But the only the lack behind is actions. So that taking actions is more important. So that drive you should have. कि नहीं, मेरे को कुछ तो करना ही है. Every day I have to do something new for my business. That inner drive you should have. Then second, strong belief in themselves. The entrepreneurs believe in themselves. When you believe yourself, then only the other person will start believing in you. Simple है. बहुत आसान है. अगर मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है, तो आप मेरे पे भरोसा नहीं करोगे. मेरे को मेरे पे भरोसा है, तो अभी आप भरोसा करोगे ना मेरे पे. बराबर. सिंपल है एकदम. सो यू शुड बिलीव योर ओन एबिलिटीज. डोंट डाउट योर एबिलिटीज. मैं ये करूंगा तो क्या होगा. अगर ये करूंगा और ना कामयाबी मिली तो क्या होगा. ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा. इतना पैसा मैं बिजनेस में डालूंगा, टेक्नोलॉजी में डालूंगा, नया कंप्यूटर लूंगा, नया आदमी लोग को बिठाऊंगा, और मेरा आदमी काम छोड़ के चला गया तो ये ऐसा हो गया तो ये वैसा हो गया तो. वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डाउट्स इन अवर माइंड्स. सब डाउट्स को छोड़ दो. स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ. व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, देन द अदर्स, दैट इज योर एम्प्लॉयज एंड योर कस्टमर्स, विल स्टार्ट बिलीविंग इन यू. Believe in your own products. Believe in your own services. Yes, my product is the best product. My services which I am offering, my services are the best services in the world. When you start believing in your product, in your services, in your companies, in your ideas, in your abilities, in your own knowledge, in your own strength, then only the world will start believing in you. So don't doubt. Start believing. The belief system is the best system. Then we have a search for new ideas and innovations. मैं तो जो धंधा कर रहा हूं 10 साल से बिजनेस कर रहा हूं, आज भी मैं वही स्टाइल में कर रहा हूं. मेरे को तो मेरे पिताजी ने सिखाया था धंधा ऐसा करने का, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा. People are in the old world, old fashions, old traditions. They have got stuck. पुराने तरीकों में अटके हुए. Now the world has changed. The business style has changed. The technology has changed. Everything is changed. अभी मिस्टर संदीप ने बताया था, अभी डिजिटलाइज्ड संज का जमाना आ गया है. Everything is digitalized. अपने को अपने बिजनेस को जमाने के साथ चलाना है. So you have to come out with new innovative ideas. नया आइडियाज निकालना है, क्रिएटिव आइडियाज निकालना है. पुरानी आइडियाज को छोड़ दो. लिव द ओल्ड आइडियाज. वो खत्म हो गया. कल जो था कल खत्म हो चुका है. हमको आज में जीना है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीना है. आज हमारा कॉम्पिटिटर क्या करता है, अपना कॉम्पिटिटर कुछ नया नया करता है, तो हमको क्या करना होगा, उसे एडवांस, उसे एक कदम आगे रहना है. अपने को अपने कस्टमर से एक कदम आगे, अपने मार्केट से एक कदम आगे, अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे. अगर हम एक कदम आगे नहीं रहेंगे बिजनेस में अपने, तो मार्केट में हम लोग कहीं पे भी नहीं रहने वाले. सो ऑल द टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशंस. कि नया आइडिया के साथ में हम क्या कर सकते हैं. अभी एक प्रोडक्ट बनाया आपने, अभी उस प्रोडक्ट के अंदर हम नया क्या ऐड कर सकते हैं, नया फीचर क्या ऐड कर सकते हैं, नया बेनिफिट क्या दे सकते हैं. थिंक अबाउट द बेनिफिट. कस्टमर को बेनिफिट मिलना चाहिए. एक चीज मैं सबको बता दूंगा, कस्टमर्स डोंट बाय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, दे ओनली बाय बेनिफिट्स. ओनली दे बाय बेनिफिट्स. कोई भी चीज आज हम भी खरीदने जाएंगे तो सबसे पहला दिमाग में क्या विचार आता है, क्या सोचते हैं हम, कि इसको मैं खरीदूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा. एवरीबडी थिंक्स अबाउट देयर बेनिफिट्स ओनली. तो हम जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं उसमें हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं, एड ऑन बेनिफिट्स जिसको हम बोलते हैं. गिव ऑलवेज समथिंग एक्स्ट्रा, बिकॉज योर कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू. उसका कुछ एक्सपेक्टेशन है. सो गिव हिम ऑलवेज समथिंग मोर देन हिज एक्सपेक्टेशंस, एंड योर कस्टमर विल बी योर कस्टमर फॉर एवर. आज हम भी किसी के कस्टमर है. अगर आज हम किसी दुकान में जाते हैं एक शर्ट लेने, हमारे माइंड में है
कि मैं 2000 रुपया दुकानदार को दूंगा और एक शर्ट लेके आऊंगा, राइट। अभी हम जाते हैं 2000 रुपए की शर्ट लेने, फर्स्ट क्लास बॉक्स में पैक करके देता है, उसके ऊपर वो अपने को एक छोटा सा गिफ्ट पैक देता है, तो हाउ हैप्पी वी आर। नजर उसी पे रहती है, वो छोटी चीज पे। उसका शर्ट का तो अपने पैसा दे दिया है, लेकिन व्हाट ही हैज गिवन समथिंग एक्स्ट्रा व्हिच वी नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, और व्हेन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग और वो चीज मिलती है तो हाउ हैप्पी वी फील एज अ कस्टमर। सो थिंक अबाउट योर कस्टमर। अगर आपके कस्टमर को जो एक्सपेक्टेशन है अगर उससे कुछ ज्यादा आप देंगे तो देखो कैसे स्माइल कर रहे हैं ना अभी, तो उसे कस्टमर के भी चेहरे में स्माइल आ जाएगी। भले छोटी सी आप किचन भी देते हो, छोटा वॉल पेन देते हो, या तो कैलेंडर देते हो, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें भी देते हो तो भी उसके चेहरे पे एक बड़ी स्माइल आ जाती है, हाँ कुछ तो मुफ्त में मिला, क्योंकि फ्री की चीजों से सबको मोहब्बत है। फ्री में जो मिलता है वो तो ले ही लेने का, भले चाहे 2 रुपए की चीज है, फ्री का है ना ले लो, मजा आती है, राइट। सो थिंक अबाउट योर कस्टमर्स बेनिफिट, कम आउट विद सम न्यू आइडियाज, न्यू स्कीम्स, ताकि आपके कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर सको। और आपका कस्टमर आपको छोड़ के दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए, वो आपके पास ही आना चाहिए। ए भाई मजा मचे साहेब, आज शू छे मारा माटे। कस्टमर ऐसा आके सामने बोलना चाहिए आपको, भाई आज कसु नऊ नऊ आ देखा तो नहीं के कसु नऊ नहीं आज कोई आ ने तुम्हारे पास जारे भी आऊं कसु नऊ मड़े से मने, ऐसा उसके माइंड में एक वो बिठा देने का बिलीव सिस्टम कि भाई मैं जब भी इनके साथ में बिजनेस करता हूं तो मेरे को कुछ नया ही मिलता है, मजा आना चाहिए, पैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना, अपने को भी कंफर्टेबल फील करेंगे ना कि अपना कस्टमर अपने को छोड़ के नहीं जा रहा है, रुपया दे रहा है ना भाई अपने को, और आता हुआ रुपया सबको अच्छा लगता है, आता हुआ कस्टमर सबको अच्छा लगता है, कस्टमर मतलब रुपया, राइट। सो विद योर न्यू आइडियाज एंड न्यू इनोवेशंस यू कैन ग्रो योर बिजनेस, देन ओपननेस टू चेंज। नाउ वी शुड बी रेडी टू चेंज। हम लोग बहुत ऐसे रिजिड हो जाते हैं कि नहीं मेरे को तो चेंज नहीं होना है, मेरा तो यही सिस्टम है, मैं तो यही सिस्टम में काम करूंगा। नहीं, यू हैव टू चेंज एवरीथिंग, यू हैव टू चेंज इवन योर थॉट प्रोसेस शुड बी चेंज्ड, यू शुड बी ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स। जब तक आप नया नहीं सीखोगे तब तक आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। टू मेक योर बिजनेस ग्रो यू शुड लर्न न्यू थिंग्स, यू शुड बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, यू शुड बी रेडी फॉर एक्सेप्टिंग न्यू थिंग्स, यू शुड बी ओपन फॉर एवरीथिंग। टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, जमाने के साथ चलना है, तो जमाना आगे निकल जाएगा आप पीछे रह जाओगे, राइट सर, जमाना आगे निकल जाएगा आप पीछे रह जाओगे अगर जमाने के साथ नहीं चलोगे तो, राइट। सो बी रेडी फॉर द चेंज, एक्सेप्ट इट एंड एक्सेप्ट विद बोल्डली और स्माइल के साथ, टेंशन नहीं रखने का चेहरे पे, मस्त रहने का, सबके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास स्माइल के साथ में रहने का, नो टेंशन, मुफ्त का है, हाँ बिल्कुल सही, स्माइल मुफ्त का है, उस पे जीएसटी नहीं है अभी तक। देन कॉम्पिटिटिव बाय नेचर, नाउ एवरी बिजनेसमैन शुड बी कॉम्पिटिटिव बाय नेचर। आज का एनवायरमेंट कैसा है बिजनेस का, इज वेरी कॉम्पिटिटिव। मोनोपोली का नाम सुना है अभी, बचपन में खेलते थे, लेकिन आज बिजनेस में नहीं है मोनोपोली, कि ये बिजनेस में मेरा अधिकार है, मेरा मोनोपोली है, मेरे सिवा ये बिजनेस और कोई करता नहीं, ऐसा है अभी नहीं, हो ही नहीं सकता, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी जो है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आप जो बिजनेस आप कर रहे हो ना, आपके कितने कॉम्पिटिटर है, कितने कॉम्पिटिटर होंगे, राइट। नाउ हाउ टू बीट दैट कॉम्पिटिशन, known and unknown, definitely, definitely, you, some competitors you must be knowing and some competitors you may not be knowing. Now, how to compete with this competitive world? Competition mein humko upar aana hai, toh kaise aa sakte, kya karna hoga? What to do? Now, you have to do what you have not done earlier. Jo humne pehle kabhi nahi kiya hai, wo humko abhi karna hai. Outstanding. Your performance should be outstanding. जो सारी दुनिया करती है वो हमको नहीं करना है, जो कोई नहीं करता है वो अपने को करना है, तभी आप कंपटीशन में आगे रहेंगे, नहीं तो यू विल बी आउट, आउट ऑफ मार्केट, राइट। एग्री विथ मी और नॉट? यस। आई होप एवरीबॉडी इज हियर, एवरीथिंग इज क्लियर, यस। थोड़ा जोर से यार, थोड़ा yes. बुढ़ापा आ गया है ना अभी, थोड़ा सुनाई कम देता है मेरे को,
तो थोड़ा जोर से बोलेंगे ना यस तो मजा आएगी मेरे को. ओके एवरीबॉडी इज फाइन. अभी यार कुछ मजा आया, ऐसा लगता है जान में जान आई कुछ. राइट देन एंटरप्रेनर शुड बी हाईली मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक. कितने एंटरप्रेनर्स मोटिवेटेड हो और कितने एनर्जेटिक है? हाथ और हाथ ऊंचा करेंगे. हाथ तो ऊंचा कर सकते. वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड, फैंटास्टिक. कोई ऐसा नीचे नहीं करेगा. एक ने हाथ ऊंचा किया ना तो बाजू वाले ने देखा, उसने किया तो चलो मैं भी करता हूं. वो एक दूसरे को देख के सब हाथ ऊंचा कर लेंगे. लेकिन द फैक्ट इज वी गेट डिसअपॉइंटेड वेरी सून. वेरी सून वी गेट डिसअपॉइंटेड. व्हाई वी गेट डिसअपॉइंटेड वेरी सून? फॉर द सिंपल रीजन, धंधा नहीं है. हाँ, बाजू वाला मेरे से आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, मेरा सेल कम हो गया, मेरा मार्केट टूट गया, दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट के अंदर, वो मेरा धंधा खा गया. तो ऑल दिस थिंग्स क्या करता है अपने को? डीमोटिवेट. एंड बाहर का आदमी आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा है, यू योरसेल्फ इज डीमोटिंग योरसेल्फ फ्रॉम योर निगेटिव थॉट्स. दिस इज ओनली योर थॉट प्रोसेस विच इज डीमोटिवेटिंग यू. सो एंटरप्रेनर should always be highly motivated. You should be self-motivated person and you should be energetic. अभी जो main boss है company का owner, अभी वो ये motivated नहीं है तो down the line में वो अपने आदमी को क्या motivate करेगा? वो आदमी लोगों के साथ भी, employees के साथ भी क्या बात करेगा मालूम है? धंधा नहीं है यार, क्या करे यार, तेरा पगार अभी अगले महीने ले लेना ना, 15 दिन के बाद ले लेना, अभी पैसा नहीं है. Now what we are doing? We are passing on our demotivation down the line. अभी अपना employee भी demotivate हो गया. यार अपना बॉस ही थकेला इंसान है. वो ही थकेला तो अपने को यार क्या वो करेगा? अपने क्या कर सकते हैं? वो भी थक जाएंगे. बाद में job change. छोड़ दे यार, इसके साथ कौन काम करेगा? जब भी देखो सुबह सुबह रोता रहता है बॉस अपना कि आज पैसा नहीं है, आज धंधा नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज ये resources नहीं है, आज वो नहीं है. Fed up हो गए. यानी कि हम लोग क्या करते हैं? खुद को डीमोटिवेट करते हैं, डीमोरलाइज करते हैं और अपने स्टाफ को भी करते हैं. तो एंटरप्रेनर्स का जॉब क्या है, उसकी एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए? ही शुड ऑलवेज बी हाईली मोटिवेटेड. कभी भी निगेटिव बातें अपने एम्प्लॉयज के साथ करने का नहीं. कीप इट इन योर माइंड. खुद से करो लेकिन एम्प्लॉय को कभी मत करो. यू शुड बी मोटिवेटेड एंड यू हैव टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज. आपके पास जो चीज है ना, आप वही चीज देंगे. आप डीमोटिवेट हो तो क्या देंगे सामने वाले को? डीमोटिवेशन. अगर आप मोटिवेटेड हो तो सामने वाले को क्या दोगे? मोटिवेशन दोगे. तो यू शुड ऑलवेज बी मोटिवेटेड. जब सुबह सुबह जब आप अपने बिजनेस प्लेस पे जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, वर्कशॉप पे जाते हैं, चेहरे पे अपनी स्माइल होनी चाहिए बड़ी. एंड योर वॉक शुड बी कॉन्फिडेंट. ऐसा आनेगा कंपनी के अंदर, छाती ऐसा फैला के आनेगा और इंप्लॉयज को बोलेगा गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, बढ़िया एकदम. ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाना है. तो आप क्या कर रहे हो? यू आर ट्रांसफरिंग योर एंथुसियाज्म टू योर एम्प्लॉइज. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. तो यू शुड बी एनर्जेटिक, यू शुड बी एंथुसियास्टिक. कभी भी ऐसा ढीला दिखाने का नहीं एम्प्लॉय को या कस्टमर के सामने. ऐसा बेचारा बन जाते हैं, मिस्टर बेचारा हो गया. फिर वो सामने वाला समझ जाता है ये तो गया है पार्टी, इसके साथ क्या धंधा करने का. सो ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस. फर्स्ट क्लास कपड़ा पहन के जाने का ऑफिस के अंदर, स्त्री कड़क मार के शेव वेव करके जाने का, जूता वूता पहन के जाने का, फर्स्ट क्लास एकदम. ऐसा समझने का कि मैं धीरूभाई अंबानी हूं. अपने को बड़ा टॉप बिजनेसमैन समझने का. जब भी हम बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा बनेंगे हम. हम लोग छोटा सोचेंगे तो छोटा ही बने रहेंगे जिंदगी भर. थिंक बिग. वेन यू थिंक बिग सो योर एक्शंस विल बी बिग. एंड वेन योर एक्शंस विल बी बिग सो यू विल बिकम बिग वन डे. How a small SME grows to big corporate. कितनी सारे success stories है अपने पास में जो इंसान छोटे से बड़ा हुआ है. And everybody knows करसन काका अपने निर्मा के. Everybody knows the story. घर में निर्मा पाउडर बनाते थे घर के अंदर. He started from his house. घर में पाउडर बनाने का, घर में पैकिंग करने का खुद ही करते थे. खुद करते थे, साइकिल पे डोर टू डोर बेचने जाते थे. हाउ ही स्टार्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम हिज रेसिडेंस एंड वेयर इज ही नाउ? व्हाई कैन एनीबॉडी टेल व्हाई? उनका ये जो सफर था, ये प्रोग्रेस था, ये कैसे हुआ? क्या किया उन्होंने? धीरूभाई अंबानी ने क्या किया? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्लेंटी ऑफ पीपल आर देयर. क्या किया उन्होंने?
Fantastic. Self-confidence. Very nice. Risk liya, self-confidence, and what? Change with the time. Their vision, fantastic. Their vision. Change with the time. Change with the time, fantastic, fantastic. Aur kya kya unhone? The most important thing is their positive attitude. Positive attitude towards their business, towards their employees, towards themselves, towards their thought process. You have to be positive attitude person. When you are an entrepreneur, you have to be a positive person. You have to think positive. You have to talk positive, and your actions should be positive, and the result will be positive. Very simple, very simple. हम लोग क्या करते हैं? कोई तकलीफ आती है ना? Business के अंदर कोई problem आ गया? So what we do? We start shouting, problem है, problem है, problem है, problem है. So our focus goes on the problem, not on the solution. We discuss only problems. We don't discuss solutions. So always discuss solutions. Problem तो रहने वाला है. आजकल रिशा के पीछे भी लिखा रहता है तकलीफ तो रहवानी उसके बिना छुटकारा नहीं है भाई तकलीफ तो रहवानी उसके बिना छुटकारा नहीं है जिंदगी में तकलीफ सबको आती है लेकिन उस तकलीफ का मुकाबला करने की जो हिम्मत है ना वो कुछ ही लोगों में है गिनती के लोग हैं जिसको हम ऑन वी कैन काउंट ऑन फिंगर्स ऐसी हिम्मत चाहिए अपने को ऐसे एंटरप्रेनर To fight with the difficult times, तभी तो आपको success मिलेगी. Difficult time में जो हंसके, smile के साथ में जो problem को face करता है, वो ही successful entrepreneur बनता है. This is the biggest quality of an entrepreneur. Then accepting of constructive criticism and rejection. Criticism तो मिलने वाला ही है. और सबसे पहला क्रिटिसाइज कौन करेगा आपको मालूम है कौन करेगा आपके खुद सही में फैंटास्टिक आपके खुद घर वाले कि आप तो ऐसे हो आप तो वैसे हो आपको धंधा करने को नहीं आता है आप जाके किधर नौकरी करो कम से कम फिक्स सैलरी तो आएगी बोलेंगे घर वाले तो सबसे पहले क्रिटिसाइज घर वाले करते हैं बिग व्हाई फॉर सिंपल रीजन नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जरा ध्यान से सुनना एवरी एंटरप्रेनर हैज अ विजन An entrepreneur has a vision to see forward. The entrepreneur has a vision to see the future. इतनी उसके अंदर ताकत है, उसका visualization इतना powerful है, वो future को देख सकता है. लेकिन उसके घर वाले नहीं देख सकते, उसके आजू-बाजू वाले नहीं देख सकते. Nobody knows what entrepreneur is visualizing. That is why, जब तक आप successful नहीं बनोगे, तब तक सब लोग आपको criticize करेंगे. Thomas Edison का नाम सुना है ना? Very बड़ा अपना scientist अपना. लाइट का बल्ब बनाया था जिसने पढ़ा होगा स्कूल में भी है वो तो जब थॉमस एडिसन लाइट के बल्ब का इन्वेंशन कर रहे थे उनका प्रयास चालू था तो लोग क्या बोलते थे उनको चालू थी क्यों पागल हो गया है ऐसा कोई लाइट का बल्ब बनता है ही ट्राइड थाउजेंड्स ऑफ टाइम एंड ही फेल्ड द बेस्ट थिंग व्हाट ही डिड He never gave up. In spite of people saying that you cannot do it, he showed the world, yes, I can do it. So this is what the entrepreneurship should do. The world will tell you, भाई आप कुछ नहीं कर सकते. धंधा करना आपके बस की बात नहीं है. धंधा छोड़ दो. You cannot do this. World will say you cannot do this. Now you have to prove the world, yes, I can do it. That is the spirit, that is the quality of an entrepreneur. Yes, I can do it because entrepreneur knows what he has to do. The world doesn't know. So don't get upset by criticisms. Rejections are the part of success. वो तो आने वाला ही है. कभी product fail हो जाता है, कभी services fail हो जाती है. Tool to success. It's a tool to success. Rejection means what? Manuel. Rejection means an opportunity to improve your product or service. जबी भी आपका customer आपको बोलेगा, यार आपके ये product तो मैंने ले लिया, लेकिन इसके अंदर ये problem आ रहा है, तो what you have to do? Improve the product. Take his suggestions. Take the customer's suggestions because he is the end user. आज उसका suggestion आपने लिया और आपने उसको implement किया, product को सुधारा, services को सुधारा. So next customer will be the satisfied customer, right? So take the suggestions from your customers, from your own end users, those who are using your products or
services. So don't get disappointed by criticism or any rejections. Hope everything is clear. Yes. Maja aa raha hai ki nahi? Yes. Aa raha hai ki nahi maja? Yes. Aisa bolne ka yaar zor se bimbas to maja mere ko bhi maja chahiye na bhai. So what is important to increase your business? Now this is the most important question. क्या करना चाहिए? पहले तो हमने qualities की बात किया कि entrepreneurs के अंदर क्या-क्या qualities होनी चाहिए. अभी qualities तो आ गई. अब business को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? What is required very first? क्या चाहिए सबको business के लिए? Finance और manpower, customer, man, fantastic. What do you say? Market चाहिए, fantastic. Technology, fantastic. और idea. आइडिया फैंटास्टिक बिजनेस प्लान वेरी गुड और क्या चाहिए इनोवेशन फैंटास्टिक और एक चीज तो सब भूल गए एक चीज सब भूल गए विलिंगनेस ओके वेरी गुड पॉजिटिव एटीट्यूड वेरी गुड अभी भी एक चीज मिसिंग है पैशन कॉन्फिडेंस वेरी गुड पैशन वेरी गुड अभी भी एक चीज मिसिंग है Action, vision, fantastic. Everybody is going in the right direction. Planning, fantastic. अभी सबको सब बात हो गई. देखो मैं कुछ नहीं बोला अभी तक. आप लोग ही बोल रहे हो ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए आप लोग ही बोल रहे हो मैंने कुछ नहीं बोला अभी तक. That means you know what is required to increase your business. आपको पता है. अब मजेदार चीज क्या है? हमको सब कुछ पता है फिर भी हम कुछ करते नहीं है सबको पता है कि सुबह जल्दी उठेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा है कोई नई बात है क्या ये नहीं सबको पता है ना कि कितने लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं हाथ ऊंचा करो बराबर गिनती के लोग हैं 10-15 लोग हैं गिनती के बाकी लोगों को भी तो पता ही है तो लोग क्यों नहीं करते हैं आलसू है फैंटास्टिक दिस इज सेम थिंग वी डू विद अवर बिजनेस We know everything, how to take our business to next level, but still we are not able to take. Why? काले करवानू ने छेड़े यार आजे सोचे यार रवादा काले हम लोग क्या करते हैं? We postpone for tomorrow. Many things we keep on postponing. Business के अंदर आज आपका business जो है, आप देखो कितनी सारी चीजें आपने पोस्टपोन करके रखी है भाई ये कल करेंगे कल करते करते 10-15 साल हो गए आज तक वो चीज नहीं हुई होगी राइट तो सबसे जो मेन चीज है ना सब बिजनेसमैन का मुंह पे एक ही चीज होती है टर्नओवर बहुत ही अच्छा वर्ड मजा आती है सुनने में टर्नओवर या टर्नओवर बढ़ाने का बिजनेस का अभी टर्नओवर बढ़ाने का इसका मतलब क्या व्हाट डज दिस मीन ये जो टर्मोलॉजी यूज करते हैं टर्नओवर ना व्हाट इज दैट टर्नओवर क्या होता है वो Sales, fantastic. What you require for a business to grow is sales. Sales चाहिए. Company के अंदर हर एक entrepreneur, enterprise के अंदर हर एक organization के अंदर एक ही department है जो revenue लेके आता है और वो है sales. Sales ही revenue लाता है ना. Turnover कहाँ से बढ़ेगा? जब sales बढ़ेगी तब बढ़ेगा turnover आपका. तो most important thing in business is सेल्स और सेल्स कहां से आएगा कस्टमर से आएगा यू रिक्वायर कस्टमर्स फॉर दैट एंड टू हैव कस्टमर्स यू शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर्स एंड टू नो इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर्स मींस यू हैव टू सेटिस्फाई योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अपने को सेटिस्फाई करना है जब आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे देन ओनली यू कैन रिटेन दोस कस्टमर्स अब यहां पे हम लोग ने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन किया हुआ है तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग नए कस्टमर्स को भी ला रहे हैं हम लोग यहां पे पुराने कस्टमर तो है ही अपने पास में नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं एड ऑन न्यू क्लाइंट्स भी एड ऑन करते जा रहे हैं ओल्ड कस्टमर्स को रिटेन करना और न्यू कस्टमर्स को लाना सो व्हाट यू आर डूइंग आपका जो क्लाइंट का बेस है उसको आप बढ़ा रहे हो क्लाइंट बेस जब बढ़ेगा तो सेल्स फिगर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा जो टर्नओवर बोलते हैं ना वो टर्नओवर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा टर्नओवर सिर्फ कस्टमर का बेस से ही बढ़ेगा और किसी से नहीं बढ़ने वाला है सो यू शुड रिटेन योर कस्टमर्स एंड यू शुड नो हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस ऑफ योर कस्टमर्स बहुत सारे ऑब्जेक्शंस कस्टमर रेस करते हैं अपने को सो यू शुड नो हाउ टू हैंडल दोस ऑब्जेक्शंस अगर उन ऑब्जेक्शंस को आपने बरोबर से हैंडल कर लिया
तो योर कस्टमर विल बी योर्स फॉर एवर। कस्टमर आपके गोद में आके बैठेगा, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो बोलेगा मेरे को बहुत मजा आती है इसके गोद में बैठने का, ये भाई बहुत हंस रहा है मजा आ रही है इसको, तो मैं तो उसके गोद में बैठने वाला हूं अभी। कस्टमर आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, राइट? एंड टू गेट द सेल्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? पहला टू गेट द सेल्स व्हाट वी हैव टू डू, मार्केटिंग, फैंटास्टिक। यू हैव टू प्लान आउट योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थ्रू मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च भी करता है, आज आपका मार्केट में शेयर कितना है, आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो तो ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाले कितनी कंपनियां हैं और वो कितने में बेच रहे हैं, उनका स्कीम क्या है, उनके कंपनी के अंदर आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, उसका सेल्स टीम कितना है। एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स इन एंड आउट, कंप्लीट मार्केट स्टडी, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च करेंगे तभी ये प्लानिंग बनेगा, देन ओनली यू कैन प्लान योर स्ट्रेटेजीज। अगर आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज प्लान किया बरोबर से और उसको इंप्लीमेंट किया, देन नोबडी कैन बीट यू, देन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। फिर आप भी धीरूभाई अंबानी, स्टीव जॉब्स, बिल गेट, सबके जैसा बन सकते हैं आप, गॉडरेज हो गया, सब हो गया, सबके जैसा बन सकते हो आप। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द प्रॉपर प्लानिंग। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है बिना प्लानिंग के। यू हैव टू प्लान, प्लान एंड प्लान, एंड यू सी दैट योर प्लानिंग इज पुट इनटू एक्शंस। 10 साल पुराना मेरे को रिकॉर्ड नहीं देखने का, मैं जाता हूं लोगों के पास, वो दिखाते मेरे को, मैं बताया आपको कि वो लोग दिखाते कि सर 10 साल पहले हमने ये प्लानिंग बनाया था, लेकिन क्या किया उसका इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं किया। तो खाली पेपर पे नहीं होना चाहिए, उसका इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, राइट? देन सेल्स के लिए और क्या चाहिए आपको? सेल्स फोर्स चाहिए। और सेल्स फोर्स को क्या चाहिए? द सेल्स फोर्स शुड बी अ प्रोफेशनल सेल्स पर्सन, not ordinary salesperson. You can hire ordinary salesperson and you can develop them into a professional salesperson. You can develop them because selling is an art. Selling is a technique which can be learned by anybody. Once you start learning this technique, start implementing that technique and you see the sales coming in, you will get minimum rejections and maximum closings. Once you are equipped with the selling skills, the right kind of skills is required. Professional salesperson. आजकल लोगों को salesman बोलते हैं ना तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई किसी ने गाली दे दिया। और salesman को पूछो ना कि आपका profession क्या है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं salesman हूँ। वो क्या बोलेगा? मैं marketing करता हूँ। इतना शर्म आती है लोगों को salesman बोलते हुए। लेकिन sales का job is the best job. They are the person who are getting the revenue. और सेल्स का जॉब ऐसा है ना कि आपका नेटवर्किंग बहुत बड़ा बन जाता है। ऑफिस में जो काम करता है वो उसी थोपड़े को देखता है रोज, रोज वही थोपड़ा देखने का। लेकिन सेल्समैन जो बाहर घूमता है वो रोज नए थोपड़े को मिलता है, रोज नए लोगों को मिलता है, इंटरेक्शन होता है, उसका नॉलेज बढ़ता है। सेल्स लाइन इज द बेस्ट सेल्स, सेल्स लाइन। मैं भी वही हूं, सेल्समैन ही हूं। बचपन से सेल्समैन था, सेल्समैन ही हूं। लेकिन क्या हो गया, थोड़ा ट्रेनिंग में आ गया, प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बन गया अभी। अरे प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बनने के बाद में अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने एक डेवलप किया हुआ है टेक्निक कि आपके बिजनेस को कैसे हम नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। सो वी हैव डेवलप्ड दिस अ पावरफुल सेलिंग टेक्निक, हम लोग ने डेवलप किया है टू इंक्रीज योर क्लाइंट बेस एंड टेक योर ड्रीम बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल। और उसको हमने नाम दिया है सेल्स वर्सेस कस्टमर। सो वी प्रोवाइड दिस ट्रेनिंग्स, अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स टू द सेल्स पर्सन, टू द ऑर्गेनाइजेशंस, ओनर्स, एंटरप्रेनर्स, सबको हम ये ट्रेनिंग देते हैं। मेरे पास आते हैं सब लोग, तब ट्रेनिंग लेके जाते हैं ये सब चीज की, एंड दे हैव वेरी मच बिकम अ पावरफुल सेल्स पर्सन। देन सेकेंड थिंग, टू इंक्रीज योर बिजनेस यू रिक्वायर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज भी चाहिए ना, सेल्स के साथ में एम्प्लॉइज भी चाहिए।
अभी एम्प्लॉयज को क्या चाहिए? योर एम्प्लॉयज शुड बी हैविंग द बेसिक जॉब रिलेटेड स्किल्स. देर आर सर्टन सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब. आपने किसी को हायर किया, अकाउंटेंट को हायर कर दिया या प्रोडक्शन मैनेजर को हायर किया या फ्लोर मैनेजर को हायर किया, किसी को भी आपने हायर किया, क्या उसके पास में वो स्किल्स है? हमने किसी को मैनेजर को अपॉइंट किया, क्या मैनेजरल स्किल है उसके पास में? सो सर्टन सेट ऑफ स्किल्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब. तो वो उसका भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं. देन एम्प्लॉयज मोटिवेशन टू परफॉर्म बेटर. योर एम्प्लॉयज शुड बी मोटिवेटेड टाइम टू टाइम. Employees require motivation, but not the entrepreneur. Entrepreneurs are self-started. Self-started. अभी आजकल बटन दबाओ गाड़ी में गाड़ी चालू हो जाती है. उसी तरह से अपने जो entrepreneurs हैं, वो भी बटन दबाओ और चालू. सुबह यानी कि आँख खुली और चालू. First class अपना. Right? So entrepreneurs are responsible. नींद में भी चालू हो रही है. आँख खुली नींद में भी चालू. हाँ, very. होता है, बिल्कुल सही. जो दिन भर बिजनेस का सोचेगा, रात को आग बंद करेगा, उसको सपना भी बिजनेस का ही आएगा. मेरे को बहुत बार सपना आता है कि मैं सेल्स कॉल पे बैठा हूं, मैं बेच रहा हूं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, क्योंकि सारा दिन दिमाग में वही चलता रहता है. ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, कस्टमर कस्टमर कस्टमर, सब वही चलता है. वेरी गुड, फैंटास्टिक. वही लोग सक्सेस होते हैं मेरे जैसे. ताली बजाओ यार. देन एम्प्लॉयज रिटेंशन. एम्प्लॉयज रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल एम्प्लॉयज देखो कैसा जंपिंग करते हैं. 2 महीना 3 महीना काम किया, 6 महीना काम किया, भाग गए. तो उनको रिटेन करना है. अभी वो रिटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंटरप्रेन्योर की. एंटरप्रेन्योर की. तो यू हैव टू रिटेन योर एम्प्लॉयज ऑल्सो. देन योर एम्प्लॉयज एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट. हर एक एम्प्लॉय का एटीट्यूड होता है. तो एटीट्यूड को अपने को उसका चेंज करना है, यानी कि उसका जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको चेंज करना है. उसको भी अपने जैसा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान बनाने का है. एक एंटरप्रेन्योर जब पॉजिटिव है और उसका एम्प्लॉय भी पॉजिटिव है, दोनों का एटीट्यूड पॉजिटिव है, तभी बिजनेस को फायदा होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला है. नहीं तो आजकल के एम्प्लॉयज क्या करते हैं, खाली क्रिटिसिज्म, बुराई करते हैं. मेरा सेठ तो ऐसा है, मेरी कंपनी तो ऐसा है, वो बाजू वाली कंपनी तो कितनी अच्छी है, बाजू वाले कंपनी में तो रोज पार्टी होती है, हमारी कंपनी में तो पार्टी भी नहीं होती है, बहुत कंजूस सेठ है. क्रिटिसिज्म चलता है, वो अपने को नहीं चाहिए. We have to motivate them. उनका जो attitude है वो change करना है हमको. Then employees growth in the organization, employees job security. अभी उनको growth दिखाना है. As an entrepreneur, we have a vision. तो same vision we have to transfer to the our employees also. कि उसको बताना है कि उसका growth कितना है. भाई तुमने आज मेरी company join की है, तो एक साल बाद where you will be? After second year where will be? उसको 5 साल का planning दिखाओ. Show him 5-year planning. कि आज तूने मेरा join किया है. Suppose for example, आपने मेरी company join किया है. आज मैं आपको 10,000 salary दे रहा हूँ. 5 साल बाद आपकी salary हो जाएगी 50,000. उसको वो figure दिखाओ. उसको वो growth दिखाओ. And it really means कि उसको देना ही है. जो हम बोलते हैं वो करना भी है. We are committed. But on performance base. Employees should perform. जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको क्या कर देने का? जयराम जी की. हार्ड डिसीजंस भी लेना पड़ता है एंटरप्रेन्योर्स को. समटाइम्स वी हैव टू टेक हार्ड डिसीजंस आल्सो. बट ट्राई टू रिटेन योर एम्प्लॉयज. शो हिम द ग्रोथ फैक्टर. कि देख 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा. शो हिम द ग्रोथ फैक्टर सो दैट योर एम्प्लॉयज विल नेवर लीव यू एनीमोर. ही विल रिमेन स्टे कनेक्टेड विद यू. राइट? Everybody is here? Yes, sir. Very much? Yes. Fantastic. Hope everybody is enjoying the session. Yes. बड़ा जोर से कैमरा में आवाज आना चाहिए सबका. Now some important questions. Now have you reached airport on or before time to board the flight? Yes or no? Yes. Yes. Fast में answer कर देना. Have you ever missed the flight? Yes or no? No. 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 Why? रिपोर्ट अर्ली. फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया जवाब दिया सबने. सही जवाब दिया है. एक्सपर्ट माय एक्सपेक्टेशन में को जवाब मिल रहा है मेरे को. अभी इसका जवाब देना. हैव यू मिस्ड योर मंथली सेल्स टारगेट? यस और नो? यस. यस. नाउ व्हाई? नाउ व्हाई? एयरपोर्ट पे तो टाइम से पहुंच जाते हो. प्लेन पकड़ना है अपने को. प्लेन
प्लेन छूट ना जाए, प्लेन छूटने के डर से हम लोग जल्दी पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे। तो अपना जो बिजनेस है उसको टेक ऑफ करना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्यों टाइम से पहले नहीं पहुंचते, क्यों सेल्स फिगर मिस हो जाते हैं, व्हाई डू वी मिस? हाँ अगला महीना छे ना भाई, हाँ मारो जीवन नो आखिर महीनों थोड़ी ना छे भाई, मैं अभी थोड़ा जाने वाला हूँ, अभी तो टाइम है, बहुत टाइम है, अभी तो मेरे को 100 साल जीने का है सर, अपना इस महीना नहीं हुआ तो अगले महीने करेंगे। लेकिन कभी फ्लाइट के बारे में ऐसा सोचा है कि एक फ्लाइट मिस हो गया तो कोई बात नहीं, अपन दूसरा फ्लाइट पकड़ के जाएंगे? हाँ वो टारगेट अचीव करना है, लेकिन ये टारगेट करने का ही है, करने का ही है। वी शुड नॉट मिस आवर सेल्स। फ्लाइट का टिकट हम लेते हैं पैसे से लेते हैं ना, तो वी इन्वेस्ट मनी, अगर फ्लाइट मिस हो गया तो टिकट वेस्ट हो गई, बराबर। अभी बड़ौदा से दिल्ली जाना है, 5,000 रुपए की टिकट आती है, 5,000 बचाने के लिए अपन टाइम से पहले पहुंचते हैं, बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्ट किया है पैसा, 5,000 बचाने के लिए टाइम से पहुंचते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर हमने लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहां पे क्या हो गया अपने को सोच लो। नाउ टाइम टू थिंक, टाइम टू थिंक, सोचो। द बिगेस्ट रीजन ऑफ ऑल इज टाइम। व्हाई डू वी मिस अवर फ्लाइट्स और सेल्स? टाइमिंग्स, टाइमिंग इज द बिग प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। मैं दिन में सब काम करता हूं, सब काम करता हूं, कोई काम मेरा पेंडिंग नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? जो काम मेरे को पहला करना चाहिए वो मैं बाद में करता हूं, जो बाद में करना चाहिए वो मैं पहले कर रहा हूं। रॉन्ग टाइमिंग्स, रॉन्ग टाइमिंग्स, एंड वी मिस एवरीथिंग। देन हाउ मेनी ऑफ यू केम टू दिस वेन्यू ऑन टाइम? कितने लोग टाइम से आए थे? मोस्टली ऑल, फैंटास्टिक। तो भी इस क्वेश्चन को जाने दो, आर यू पैशनेट इनफ अबाउट योर बिजनेस? आई नो आंसर विल बी यस, एज एक्सपेक्टेड। व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट द बिजनेस मींस व्हाट? पागलपन। पैशन मतलब पागलपन। लोग बोलने चाहिए कि ये इंसान तो पागल है अपने धंधे के पीछे, अपने बिजनेस के पीछे पागल है, ऐसा लोग बोलने चाहिए, आपके घर वाले बोलने चाहिए, आपके रिश्तेदार बोलने चाहिए, आपके यार दोस्त बोलने चाहिए कि ये बंदा तो पागल है अपने बिजनेस के पीछे, बिजनेस के अलावा और कोई बात ही नहीं करता है। दैट इज पैशन, दैट इज जुनून, दैट इज मैडनेस। जब तक हम मैडनेस नहीं दिखाएंगे अपने बिजनेस के लिए, वी कैन नॉट सक्सीड। देन डू योर बिजनेस इंस्पायर यू टू डू मोर बिजनेस? I know, answers are yes. Answers of yes mein rehta hai. Now, from where does this inspiration comes? Revenue se. Thoda revenue aaya, to aadmi inspired ho jata hai, wah, maja aa gaya. Phir baad mein thode time ke baad kya hota hai? Wo businessman ek comfort zone mein chala jata hai. Comfort zone mein ek baar chala gaya, भाई अभी तो क्या है यार, अभी तो चलो अपने को 15-20 क्लाइंट मिल गए, कंटिन्यू धंधा आ रहा है, चल रहा है काम, जब तक चलता है तब तक कंफर्ट जोन में आ गया। जब वो धंधा बंद हो गया, वो कस्टमर चले गए ना, फिर बाद में क्या होता है? मेरा तो नसीब खराब है, मेरा तो ग्रह बराबर नहीं है, बाद में जन्म पत्री लेके जाएंगे किसके पास में? पंडित के पास में, कि सर जरा जन्म पत्री तो देखो मेरा, धंधे में बहुत मंदी आ गई। अरे धंधे में मंदी नहीं आ गई है, तू सो गया था, जब धंधा तेरा चल रहा था तू सो रहा था। तो ये मंदी वंदी कुछ नहीं होती, ये हम लोग सोते हैं इसके लिए मंदी होती है, हमको धंधे में सोने का नहीं है। When your business is growing, you have to make your business grow more and more and more. You should not relax. There is no relaxation time for an entrepreneur. You should not relax. Right? Hope everybody is getting the points. Yes. Does your business motivates you to travel extra mile? Yes.
होना चाहिए। देखो अभी कोई आंसर किसी ने यस नहीं बोला, अभी नो आंसर्स। फाइन, दिस इज ऑल नेचुरल। ये जो साइकोलॉजी है एंटरप्रेनर का, ये सबका एक जैसा है, एवरीवेयर इज सेम। वेदर इट इज बड़ौदा, अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी जाओ, एवरीवेयर द साइकोलॉजी ऑफ एन एंटरप्रेनर इज सेम। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू टेक अवर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। नाउ हाउ कैन वी टेक अवर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल? What you know, but what you don't know, you have to learn. Very simple. आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करके, अपना नॉलेज को इस्तेमाल करके, अपनी एबिलिटीज को, अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल करके, आपने अपने बिजनेस को एक लेवल पे लेके आ गए। अब आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए what you require upgradation of knowledge. And from where you get the upgradation of knowledge? From market, training, motivation, SMB connect. आ जाओ, जुड़ जाओ इधर। You have got experts over here who will guide you, who will mentor you, who will take your business to the next level. We are with you. है ना हम लोग इधर? तो बिंदास आने का हमारे पास में, टेंशन नहीं लेने का, हंसते हंसते आने का। पैसा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा बिजनेस में। जब तक पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक बिजनेस ग्रो करेगा नहीं। ट्रेनिंग में मैंने देखा है बहुत लोगों को पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, क्या फायदा, लेकिन फायदे का पता ही नहीं है उनको कि जब हम लोग बिजनेस में, अब जो बिजनेस हम कर रहे हैं, अगर उसके लिए अगर हम लोग ट्रेनिंग में, मेंटोरिंग में, कंसल्टेंसी में कुछ पैसा डालेंगे तो हमारा बिजनेस कहां जाएगा? एक स्टेप ऊपर जाएगा। जो टर्नओवर की हम बात करते हैं ना कि टर्नओवर बढ़ाना है, तो टर्नओवर कहां से बढ़ेगा? जब आप किसी कंसल्टेंट के पास आएंगे, किसी का एडवाइस लेंगे। बिकॉज व्हाट यू नो आपके पास में जितना नॉलेज था आपने बिजनेस में डाल दिया, एक पोजीशन पे आप लेके आ गए, नाउ नेक्स्ट लेवल पे। अभी 10 CR हो गया बिजनेस आपका, 25 CR पे लिए जाना है आपको, 50 CR पे जाना है, 500, 1000 CR पे जाना है, तो कैसे पहुंचेंगे? फ्रॉम स्मॉल एंटरप्राइज टू बिग कॉर्पोरेट, There is a huge journey, और उस जर्नी को पूरा करने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। सर है यहाँ पे बैठे हुए, हम हैं इधर, आप लोग भी इधर ही हो। So only one thing at the end I will say, take the right decisions at the right time. Then only your business will grow. Right? So take the right decisions. Thank you very much.